तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड स्वागत है आपका हमारी और एक नई फ्री फायर की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू थीवा कैरेक्टर के एक स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसको अगर आप मैच में लेके यूज़ करोगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। चलिए सबसे पहले हम लोग थीवा कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। तो थीवा कैरेक्टर की स्किल का नाम है वाइटल विप्स, और इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, अगर आप अपने टीममेट को रिवाइव दोगे तो वो नॉर्मल रिवाइविंग स्पीड से आपका टीममेट जल्दी रिवाइव होगा। तो अभी मेरा 4 लेवल पे है तो 14% जल्दी रिवाइव होगा मेरा टीममेट, और रिवाइव होने के साथ साथ जब वो रिवाइव होने के बाद उठेगा तो उसको 30 HP मिलेगी। मतलब कि 20 और 30, मतलब उसकी रिवाइव होने के साथ साथ 50 HP हो जाएगी 4 सेकंड में। लेकिन आपके दिमाग में और एक कैरेक्टर तो ज़रूर आया होगा, जो कि है हमारा ओलिविया कैरेक्टर। और इसकी स्किल भी कुछ इस तरीके से है कि अगर आप अपने टीममेट को रिवाइव देते हो तो अभी मेरी 51 HP देगी ओलिविया, यानी कि टोटल 70 HP ये टीममेट को देगी। तो अगर आप इन दोनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज़ करते हो तो क्या आपको पता है इसकी आपको रिवाइव होने के बाद कितनी HP मिलने वाली। तो चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोनों कैरेक्टर की स्किल को हम लोग रख लेते हैं। तो हमारा थीवा कैरेक्टर स्किल हम लोग रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ओलिविया कैरेक्टर की स्किल रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्किल रख लिया है, तो चलिए अब मैच की तरफ चलते हैं और मैच में ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं, और ये है मेरा टीममेट जिसको मैं यहाँ पर ऑयल ड्रम के पास खड़े होने के लिए कह रहा हूँ। और इसको मैं डाउन करके यहाँ पर मैं इसकी HP देखूँगा रिवाइव होने के बाद कितनी होती है। तो चलिए हम इसको डाउन करते हैं। और भाई साहब, यहाँ तो मैं ही डाउन हो गया, लोल मोमेंट हो गया। तो यहाँ पर अपने तीसरे टीममेट को हम लोग बुला के हमें रिवाइव करवाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल की जगह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। तो यहाँ पर अभी हमारे टीममेट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा इस, तो यहाँ पर मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव दे रहा है और अब मैं उसको रिवाइव दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैं उसको अभी रिवाइव दे रहा हूँ और इसकी HP कितनी हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर तो इसने आलोक यूज़ कर लिया, तो ये नूबड़ा है, इसको पता ही नहीं आलोक यूज़ नहीं करना था। तो यहाँ पर इसने आलोक यूज़ कर लिया, तो इसकी HP करीब 151 हो गई, यानी कि 50 HP तो आलोक देता है, लेकिन 50 HP आप लोग हटा दोगे तो यहाँ पर इसकी 101 HP हो गई है, जो कि सिर्फ रिवाइव करने से हुई है। और यहाँ पर मेरा थीवा और ओलिविया कैरेक्टर दोनों 4-4 लेवल में है, तो इसलिए 101 HP हुई। जब मेरे दोनों कैरेक्टर मैक्स लेवल पे हो जाएंगे तो HP 131 हो जाएगी। तो चलिए गाइस हम लोग और एक बार करके ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरा टीममेट फिर से आ चुका है, और इस बार मैं दूर हूँ तो मैं डाउन नहीं हूँगा इस बार। तो चलिए हम लोग फायर करते हैं, और आप टीममेट की HP पे थोड़ा सा आप लोग गौर करना ऊपर में। तो यहाँ पर देखो मैं इसको रिवाइव दे रहा हूँ, और ये मेरा टीममेट रिवाइव हो गया, और इसकी HP अभी बढ़ रही है धीरे धीरे, और यहाँ पर इसकी HP बढ़ के यहाँ पर रुक गई है। तो इसकी HP अभी मैंने से पूछा तो इसने बताया कि इसकी HP अभी 101, तो 101 इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अभी 4-4 लेवल पर दोनों कैरेक्टर हैं, और जब 6-6 लेवल पे हो जाएंगे तो 131 HP टोटल मिलेगा रिवाइव होने पे।
तो ये स्किल कॉम्बिनेशन आपके रैंक मैच में भी काम आ सकता है या क्लैश स्क्वाड में भी। वैसे तो आजकल बंदे रिवाइविंग सिस्टम से रिवाइव होते हैं, लेकिन भी अगर अपने स्क्वाड में आप रिवाइविंग का काम करते हो तो आपके लिए स्किल अच्छी है। तो वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई तरीका है भीख मांगने का। 700 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और 1 के मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी करा दोगे अगर आपका सपोर्ट बना रहे। और हम लोग शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो शॉर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है तो आप चैनल को खोल के आप शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन आता है वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे तो अभी शॉर्ट वीडियो का ये जो है वो अभी बीटा वर्जन में, इसीलिए अभी ये डेवलप नहीं हुआ है ये नोटिफिकेशन का इसीलिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।